एक माधवगढ़ नाम का सुंदर राज्य था। माधवगढ़ के महाराज अमर्त्य सेन बहुत ही न्यायी, चतुर और पक्षी प्रेमी थे। उनके राज्य की जनता बहुत सुखी और समाधानी थी। राजा के पास एक बहुत चतुर और बुद्धिमान तोता था, इसलिए राजा उस पर हमेशा खुश रहते थे। एक बार तोता राजा को विनती करता है, महाराज मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है, क्या मैं जा सकता हूँ महाराज? राजा तोते की विनती मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो, मगर अगले 5 दिनों में तुम अपने माँ बाप से मिलकर वापस आ जाना। हाँ धन्यवाद महाराज। तोता बहुत खुश होकर अपने माँ बाप से मिलता है, उन्हें नगर की बातें बताता है। 5 दिन पूरे हो जाने के बाद तोता राजा के पास जाने के लिए निकलता है। क्यों ना मैं राजा के लिए कुछ उपहार लेके जाऊँ? तोते को रास्ते में एक जादुई अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। अगर मैं ये फल राजा को दूँ तो राजा खुश हो जाएंगे और इससे राजा दीर्घायु और जवान भी दिखने लगेंगे। अमरूद का पेड़ बड़े पर्वत पर होता है। वो अमरूद तोड़ने के लिए तोते को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के कारण तोता थक जाता है और रात के समय वही रुककर सुबह जल्दी निकलने का निश्चय करता है। रात के समय एक जहरीला सांप वहां आकर वो अमरूद खाता है, इसके कारण वो अमरूद जहरीला हो जाता है। इस बात का पता ना होने के कारण तोता वही अमरूद लेकर राजा के पास आता है। राजा को तोता अमरूद खाने के लिए देता है। तभी एक मंत्री, महाराज हमारे राज्य के नियम अनुसार राजा को देने वाली सब चीजें पहले चखी जाती है, इसीलिए ये अमरूद भी चखना पड़ेगा। ठीक है ये लो अमरूद। मंत्री वो अमरूद पहले एक कुत्ते को खिलाते हैं। कुत्ता वो अमरूद खाते ही तड़प तड़प के मर जाता है। ये देखकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं। राजा क्रोध में तोते का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। राजा वो फल उठाकर बाहर फेंक देते हैं। कई साल बाद उसी जगह पर एक अमरूद का पेड़ उगता है। पेड़ पर कई अमरूद लगते हैं। ये देखकर राजा अपने राज्य में सूचित कर देता है कि इस पेड़ के अमरूद को कोई नहीं खाएगा, क्योंकि ये पेड़ भी उस अमरूद की तरह जहरीला है। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा आदमी राज्य में आकर उस अमरूद के पेड़ के नीचे विश्राम करता है। उस बूढ़े आदमी को इस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। भूख लगने की वजह से वो बूढ़ा आदमी पेड़ से एक अमरूद निकालकर खाता है। अमरूद खाकर वो बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। जहरीले पेड़ के अमरूद खाकर एक बूढ़ा आदमी जवान हो गया, ये खबर नगर में आग की तरह फैल जाती है और ये बात मंत्रियों ने राजा को बताई। राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, जहरीले पेड़ के फल भी जहरीले ही होते हैं ना। राजा सच्चाई जानने के लिए उस अमरूद के पेड़ के पास आता है। राजा सभी के सामने एक अमरूद एक सैनिक को खाने देता है। अमरूद खाते ही वो सैनिक और जवान दिखने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और राजा को अब इस बात का पता चल जाता है कि अमरूद जहरीला था, मगर ये अमरूद का पेड़ जहरीला नहीं है। इस घटना से राजा बहुत दुखी होता है कि उसने अपने निरपराध तोते की जान ले ली। राजा को एहसास होता है कि किसी भी गुनहगार को सजा करने से पहले उसकी गलती है या नहीं ये देख लेना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। एक वक्त की बात है, राजा नहुष अपने राज्य में बड़ा सुखी जीवन जी रहे थे। राजा नहुष के राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी, वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से भस्मासुर नाम का एक जादूगर राजा नहुष के राज्य में आ गया, जिसे वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अचानक से महाराज के राज्य में भस्मासुर आने के कारण उथल पुथल मच चुकी थी। ये खबर लेकर एक सैनिक महाराज के पास आया और महाराज से, महाराज की जय हो, महाराज हमारे राज्य की सीमा पर कोई भस्मासुर नामक जादूगर ने प्रवेश किया है। कहा जाता है कि वो जिस किसी चीज या किसी के भी सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है महाराज। महाराज ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, साथ ही उन्हें गुस्सा भी आता है। वो खड़े रहकर, क्या भस्मासुर, एक जादूगर, आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारे राज्य में आकर लोगों को परेशान कर रहा है, हमें अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज के ऐसे कहते ही उनका सेनापति महाराज से, महाराज आप सत्य कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए तो वो कुछ गलत न हो जाए महाराज। हम कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो चुके थे, जिस कारण हम गलत फैसला भी कर सकते थे। अवश्य महाराज, हमें इस पर कोई सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी प्रजा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े।
महाराज और सेनापति की बात चल रही थी कि तभी दूसरा सिपाही खबर लेकर वहाँ पर आता है। तो महाराज उससे, क्या खबर है उस जादूगर भस्मासुर की? महाराज, अब उसने हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक उससे लड़ने में असमर्थ है। उसके सामने जो भी आए उसे वो भस्म कर देता है महाराज, फिर वो कोई इंसान हो या जानवर। क्या, अब तो हद हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारे सारे सैनिकों को आगाह कर दिया जाए कि किसी भी वक्त हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। सेनापति बीच में ही, महाराज अगर हम हमारे राज्य के सारे जादूगरों को इकट्ठा कर भस्मासुर से लड़ने कहे तो? अवश्य सेनापति, आप तुरंत ही राज्य के सारे जादूगरों को यहाँ लेकर आओ। साथ ही राज्य के लोगों तक ये संदेश भिजवा दिया जाए कि जो भी इस भस्मासुर से हमारे राज्य को बचाएगा उसे हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सेनापति और सैनिक वहाँ से तुरंत ही अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सभी और हाहाकार मच चुका था। देश के सभी लोग बहुत डर चुके थे और वो घर में छुपकर बैठने लगे थे। कोई घर से बाहर आना ही नहीं चाहता था। देश की सारी गलियां जो लोगों से हमेशा ही भरी रहती थी वो अब सुनी पड़ चुकी थी। अब ये बात महाराज नहुष की पुत्री सुमित्रा तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नर्तकी थी। साथ ही वो एक वीर योद्धा भी थी। अब वो भस्मासुर नामक जादूगर के बारे में सुनकर तुरंत ही अपने पिताजी के पास राज्यसभा में प्रवेश करती है, जहाँ पर राज्य के सारे अधिकारी बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। तभी राजकुमारी सुमित्रा महाराज से, प्रणाम पिताजी, मैंने जो सुना है क्या वो सब सच है? हाँ पुत्री, अब तुम्हें क्या बताए कि राज्य की हालत क्या से क्या हो चुकी है। हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा ये जादूगर हमें देना चाहता है? महाराज की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि राजकुमारी महाराज से, महाराज मैं आपकी पुत्री सुमित्रा उस जादूगर से मिलना चाहती हूँ। महाराज के साथ साथ सारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं। महाराज सुमित्रा से, तुम जानती नहीं वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो सिर्फ किसी के सिर पर हाथ रख दे तो तुरंत वही भस्म हो जाता है। सभी लोग इतने डरे हुए हैं कि उसका सामना कोई नहीं करना चाहता। पिताजी मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आप ही की पुत्री हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारे भाई यहाँ होते तो शायद ही तुम्हें इस जादूगर का सामना करना ना पड़ा होता। तभी सुमित्रा महाराज का आशीष लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। सुमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चारों कोसों में चर्चा थी। तो जैसे ही सुमित्रा जादूगर के सामने जाती है तो उसे देखकर भस्मासुर राजकुमारी सुमित्रा की ओर देखता ही रह जाता है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है। राजकुमारी सुमित्रा सोच विचार कर वहाँ सज धज कर आई थी। तो भस्मासुर सुमित्रा से, हे सुंदरी तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? भस्मासुर की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी शर्माने का नाटक करते हुए भस्मासुर से, जी अवश्य, मैंने आपकी ताकत के बड़े चर्चे सुने हैं। ये बात सुनते ही भस्मासुर को अपने आप पर गर्व होता है और वो खुश हो जाता है। तभी सुमित्रा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने भगवान के मंदिर में अपनी शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ नृत्य करने का व्रत कहा था, तो आपको मेरे साथ वहाँ नृत्य करना होगा। क्या आप मेरे साथ वहाँ नृत्य करेंगे? भस्मासुर सुमित्रा की सुंदरता देखकर उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सुमित्रा जो कहे वही वो कर रहा था। अब बातों बातों में सुमित्रा उसे मंदिर लेकर जाती है और उसके साथ एक सुंदर सा नृत्य करने लगती है। वो जैसा जैसा नृत्य करे वैसे ही वो करने लगा था। अब नृत्य रंग में आने लगा था कि सुमित्रा ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही सुमित्रा ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ खुद के ही सिर पर रख दिया। अब भस्मासुर खुद ही राख हो चुका था। सुमित्रा ने उसके वरदान को ही उसका शाप बना दिया। राजकुमारी सुमित्रा की ये चलाकी देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और उसके जय जयकार करने लगते हैं। अब राज्य में सभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सारी और खुशियाँ ही खुशियाँ फैल चुकी थी। अब महाराज ने अपने राज्य की गद्दी पर राजकुमारी सुमित्रा का ही राज्याभिषेक करवाया। राधानगर नाम का एक राज्य था, जहाँ के महाराज सुदर्शन बहुत ही उदार दिल और प्रजा का ख्याल रखने वाले इंसान थे।
लेकिन महाराज की कोई संतान नहीं थी। जब भी महाराज के मन की स्थिति खराब होती थी तो वो शिकार करने के लिए जंगल में अपने कुछ साथियों को लेकर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन महाराज शिकार करने के लिए निकलते हैं। घोड़े पर बैठकर वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे, जहां महाराज को एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वो देख महाराज सैनिक से, पता करो यहाँ पर आश्रम किसने बनवाया है। जो आज्ञा महाराज। सैनिक वहाँ से आश्रम के अंदर जाता है और सारी जानकारी लेकर महाराज के पास आता है और महाराज से, महाराज ये आश्रम किसी ऋषि आगास जी का है, जो एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। अच्छा, तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। अब महाराज ऋषि मुनि से मिलने के लिए उनके आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनसे आशीष लेते हैं। वो ऋषि एक सिद्ध पुरुष थे तो उन्हें महाराज के अंदर की बेचैनी झट से पता चल जाती है। वो महाराज से, राजन ये प्रसाद लो और तुम घर जाकर ये प्रसाद अपनी पत्नी को खिला देना। इस प्रसाद के कारण तुम्हारे राज्य के लिए तुम्हें 6 वारिस मिल जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, तुम और तुम्हारी पत्नी कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। राज्य के हर एक आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास सब कुछ आ जाने के बाद भी तुम सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जियोगे, हर इंसान को एक समान स्थान दोगे। जी ऋषिवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा आपके कहे हुए रास्ते पर ही चलूंगा। अब महाराज ऋषि का आशीष लेकर महल वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी उर्मिला को घटी सारी घटनाएं बताते हैं। और उस ऋषि का दिया प्रसाद खाने के बाद महारानी उर्मिला कुछ ही सालों में 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म देती है। अब वो सभी धीरे धीरे बड़े होते हैं। महाराज की दिन ब दिन प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी। उसके पुत्र अब राज्य संभालने की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दूर देश में चले जाते हैं। यहाँ महाराज सुदर्शन की पत्नी उर्मिला को अपने पति की प्रतिष्ठा पर गर्व होने लगा था। अब वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझने लगी थी तो सभी दास दासियां महारानी से बात करने से भी डरने लगी थी। अब एक दिन महाराज ऋषि की कोई बात भूले तो नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि भिखारी का रूप लेकर महाराज सुदर्शन के राज्य में आते हैं और महल के सामने आकर एक सैनिक से, भाई मुझे महाराज जी से मिलना है। तुम जो भी हो इस राज्य में नए नजर आ रहे हो भाई, कौन हो तुम? मैं वही हूँ बेटा, जिसके प्रसाद के कारण तुम्हारी रानी को 6 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। क्या पागल तो नहीं हुए तुम? तुम्हें देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि तुम एक भिखारी हो। देखो बेटा, किसी के पहनावे से तुम उसकी पहचान तो नहीं कर सकते ना। तभी महारानी जी बाहर से अपनी सहेलियों के साथ डोली में बैठकर आ रही थी। ये देख सैनिक उस ऋषि से, महाशय आप यहाँ पीछे आ जाइए, मैं आपकी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पीछे आ जाइए, महारानी जी आ रही है। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मैं महाराज से बाद में मिल लूंगा, पहले तो मैं महारानी जी से ही मिलना चाहता हूँ। भिखारी जैसे दिखने वाले ऋषि को देखते ही महारानी डोली से बाहर निकलती है और ऋषि से, अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। महारानी की ये बात सुनकर ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ऋषि अपने असली रूप में आ जाते हैं और असली रूप में आकर महारानी से, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड आ चुका है महारानी। याद रखना, अगर मेरी कृपा से तुम निपुत्रिक से पुत्रिक हो सकती हो तो मेरे श्राप से तुम्हारी ये सारी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। तुम्हारी ये जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, मेरी ये बातें याद रखना। ऋषि की ये बात सुनकर महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप से, बढ़ाया मुझे श्राप देने वाला। अब वो सैनिक से, सैनिक इसे इस राज्य से बाहर निकाल दो, अगर आगे से ये इस राज्य में नजर भी आया तो याद रखना। अब ऋषि वहाँ से खुद ही चले जाते हैं। ऋषि गुस्से से जा रहे थे, उर्मिला की बेटी मायावती ऋषि के पास जाकर उनसे शांति पूर्वक बात करती है तो ऋषि उसे आशीष देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में मायावती की शादी एक अमर सिंह नाम के महाराज से हो जाती है और दूसरी ओर महारानी के बुरे बर्ताव के कारण महाराज सुदर्शन के राज्य का राज शुरू हो जाता है। राधा नगर पर अब महाराज सुदर्शन के दुश्मनों ने हमला बोल दिया था, जिसमें महाराज सुदर्शन की हार हो चुकी थी। अब वो यहाँ वहाँ दर बदर घूमने लगे थे। गांव से दूर एक झोपड़ी बनाकर उसी में अपने एक वफादार के साथ दिन बिता रहे थे।
कि एक दिन महाराज मन ही मन, अगर मैं मेरी बेटी माया के पास जाऊँ तो वो जरूर मेरी मदद करेगी। वो अकेले ही चलते चलते अपनी बेटी मायावती के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये देख एक सैनिक भागते हुए महाराज अमर सिंह के पास पहुँच जाता है और धीरे धीरे से उनसे, महाराज महारानी जी के पिताजी का इस राज्य में प्रवेश हो चुका है और वो मुझे बहुत थके हारे लग रहे हैं। तुम तुरंत ही महाराज सुदर्शन जी के लिए रथ लेकर जाओ और उन्हें पूरे निष्ठा के साथ यहाँ ले आओ। अब महाराज सुदर्शन अपनी बेटी से मिलने आए थे। कुछ दिन बड़े अच्छे से काटने के बाद महाराज सुदर्शन अपने घर वापस लौटने के बारे में कहते हैं। तो महारानी मायावती महाराज सुदर्शन की कुछ मदद हो सके इस हेतु सोने से भरे दो घड़े देती है। सोने से भरे घड़े लेकर महाराज सुदर्शन खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं और अपने पत्नी के हाथ में वो घड़े रख देते हैं। जैसे ही महारानी उर्मिला वो घड़ा खोलती है तो उसमें भरा सोना पूरी तरह से कोयले में बदल चुका था। ये देख महाराज और महारानी की पत्नी उर्मिला हैरान हो जाते हैं। अब महारानी उर्मिला जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी वो महाराज से, महाराज मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती के कारण ही हो रहा है। महल में आपसे मिलने आए एक इंसान को भिखारी समझकर मैंने उसे बहुत भला बुरा कहा था। मुझे लगता है हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। आपको तो उनका आश्रम पता है ना? हम उन्हें वही जाकर मिलेंगे और उनसे माफी मांगेंगे तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब महाराज और महारानी दोनों मिलकर ऋषि आगास के आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो उनसे माफी मांगते हैं और महारानी ऋषि आगास से, हे ऋषिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलती के कारण हमारा पूरा राज्य क्रूर राजा के हाथ में चला गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसके आगे कभी भी मैं अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। अब धीरे धीरे सब कुछ महाराज के पास लौट आता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब राज्य में सभी खुशी खुशी रहने लगते है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारी प्रतिष्ठा कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, हमारे पास कितनी भी संपत्ति आ जाए, हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का गर्व हमें समुन्दर की खाई में ढकेल देता है।